राहुल गांधी ने दो जगह से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो उसके सियासी मतलब निकाले जाने लगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, दो जगह लड़ने का क्या मकसद है? देखिए, इस देश में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर लड़ तो सकता है, लेकिन अमेठी जैसी सीट जिसे विशेष तौर से श्री राहुल गांधी जी अपनी पैतृक सीट मानते थे और 2014 में वो सीट को नहीं छोड़ करके गए थे, लेकिन 2019 में उनको पता चल गया है कि 23 मई को जो रिजल्ट आएगा उसमें श्रीमती स्मृति ईरानी जी का सांसद बनना तय है। इस डर से डर करके उन्होंने दूसरी सीट से भी लड़ने का निर्णय लिया है और कांग्रेस का ये डर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अच्छा लगा है। लेकिन वो तो उनकी परंपरागत सीट रही है और जो है अमेठी में सालों साल से वो राज करते रहे हैं, उसके बावजूद जाना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वहीं पर अपना जनाधार खो रही है या हर जगह लगभग ऐसी हालत है? 23 मई कांग्रेस गई, यह जो कहा जा रहा है लगातार उसका संकेत है कि अमेठी लोकसभा के वर्तमान सांसद निवर्तमान या पूर्व सांसद बनने जा रहे हैं, इसका उन्हें आभास हो गया है क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सपा बसपा ने उनके लिए वहां पर सीट छोड़ दी, कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की। इसके अलावा बाकी जो मुख्य दल हैं उन्होंने भी बहुत, बीजेपी को अगर छोड़ दें तो कोई बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा नहीं करता आमतौर पर, फिर भी तो क्या ये अवश्यंभावी जो हार दिख रही है आप लोगों को वो सिर्फ उसी सीट के लिए सीमित है या वायनाड जो जहां पर दूसरी जगह लड़ने जा रहे हैं वहां जनाधार उनका मजबूत है? देखिए, वो कोई भी कोशिश करे, कांग्रेस लोगों की नज़रों से उतर गई। लोग कांग्रेस को किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि फिर से घोटाले करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली, गरीबों की बात करके फिर गरीबों का उपहास करने वाली, उनके प्रति उदासीनता रखने वाली सरकार इस देश में फिर से आवे, ये देश की जनता नहीं चाहती है। देश की जनता ने मोदी जी को अपने दिल में बैठा लिया और कमल खिलाने का ठान लिया। लेकिन प्रियंका अपने आप को और ज्यादा मजबूत मानती है, उन्होंने इशारों में भी कहा कि वो बनारस से भी लड़ सकती हैं। एक तरफ अमेठी वो सीट छोड़ने मतलब उनको हार का डर सता रहा है आपके मुताबिक, तो दूसरी जगह लड़ रहे हैं, प्रियंका बनारस से लड़ने की बात कर रही हैं, तो ये कैसा विरोधाभास है? ये तो पूछना उनसे चाहिए, लेकिन उनका प्रभाव इतना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश में आने का कि उनके भाई को अपनी पैतृक सीट के अलावा दूसरी सीट पे अपने रास्ते तलाशने के लिए जाना पड़ा है। और अगर वो अमेठी से लड़ना चाहें या वाराणसी से लड़ना चाहें, वह किसी भी हमारे नेता प्रत्याशी के खिलाफ लड़ना चाहें तो अपनी मनोकामना पूरी कर लें, लेकिन बयानबाजी की सीमा तक न रहें, जहां से वो लड़ना चाहें वो लड़ लें। लेफ्ट ने भी वहां पर विरोध के स्वर अपने उठा दिए हैं कि वायनाड में अगर लड़ेंगे तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही है, लेफ्ट के खिलाफ हो रही है, तो क्या ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं आपको लगता है या लेफ्ट को भी अब उन्होंने किनारे कर दिया? देखिए, लेफ्ट का और कांग्रेस का क्या रिश्ता नाता है मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं अमेठी तो कांग्रेस और रायबरेली हार ही रही है, लेकिन केरल में भी कोई उनको सफलता का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ रही है, पूरा देश मजबूती से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश में दूसरी पारी देने के लिए तैयार बैठा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है, परिश्रम का परिणाम यह है कि कुछ लोग अपना घर में बैठ करके ट्विटर पर ट्वीट करके केवल मीडिया में बने रहते हैं, जनता के बीच नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्र के अध्यक्ष तक यह लगातार जनता के बीच में बने हुए। एक आखिरी सवाल और, इधर तो ये सीट छोड़ करके दूसरी जगह लड़ने जा रहे हैं लेकिन प्रियंका गांधी ने एक बात और कही कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, अपने बयान में कहा, तो क्या आपको लगता है अगर कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि वो जीत जाएंगे और प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो जाएंगे अगर कांग्रेस में, तो भाजपा इसको किस तरह देखती है? देखिए, यह देश मजबूर सरकार नहीं चाहता है, यह देश मजबूत सरकार चाहता है। मजबूर सरकार माने मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री बना करके सपा बसपा की बैसाखी के बल पर सरकार चली और कोई निर्णय नहीं ले पाई, और आज मोदी जी की एक मजबूत सरकार है जो कड़े और बड़े फैसले के लिए, देश हित में फैसले लेने के लिए जानी जाती है, और उसका प्रमाण चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे GST हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े फैसले लेने का कार्यकाल इस रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह 5 साल जाना जा रहा है, और इसका कभी भी वो कोई मुद्दा उनके पास नहीं, विपक्ष के पास, कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, केवल एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को 2019 में सत्ता में आने से अगर नहीं रोकेंगे तो जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं, चाहे वो देश के किसी राज्य के हों, उनको ये मालूम है कि निष्पक्ष जाँच होगी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है
उनसे वसूली होगी, वसूली गई राशि गरीबों की झोली में डाली जाएगी और उनकी यात्रा किस जेल की होगी पता नहीं। तो ये केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि चाहे अमेठी या कहीं से भी वो लड़ लें, वो जीतने वाले नहीं राहुल गांधी, और इसके जो भी सियासी मतलब हैं, इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस जरूर कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, जिसकी वजह से दो सीटों पर राहुल गांधी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।